हेलो एवरीवन, सेवेंथ क्लास का रैशनल नंबर कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग करेंगे नंबर लाइन। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ठीक है? चलिए करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5/2। ठीक है, 5/2 हमने ले लिया। ये एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, वेदर q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 5/2 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस नंबर से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 5 को, मीन्स 0 to 5 तक के नंबर को टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बस यही काम हमें करना है नंबर लाइन पे। हम 0 से लेकर 1 तक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 और 2 हो गया। फिर 1 और 2 के बीच में भी यही काम करेंगे, 2 और 3 के बीच में भी, और 3 और 4, ये 5 तक हम कर लेंगे। ठीक है, 5 तक हमने कर लिया, दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए सारे नंबर कंजिक्यूटिव नंबर के डिस्टेंस को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 काउंट कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ये जो पॉइंट है बस यहीं पे आपका 5/2 शो होगा, रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसे इसको आप चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5/2 लिखा है, तो आप सिंपली 2 से 5 को डिवाइड करके देख लो, आपका आएगा 2.5। ठीक है, आंसर 2.5 आएगा। तो इससे आप दो चीज़ गेस कर सकते हो कि आपका जो ये रैशनल नंबर होगा नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच में होगा, क्लियर है? और दूसरा 2.5 है, तो ये 2 और 3 के बीच जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका जस्ट हाफ होगा, क्योंकि ये 0.5 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आया है आपका, और 0.5 यहाँ आ रहा है। तो 1 यहाँ से काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे 5/2 शो होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक निगेटिव नंबर लेते हैं, एक निगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं, -4/3। ठीक है, तो अभी क्या किया है कि 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है कि 4 तक का जो नंबर है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कर लेते हैं, चूँकि ये निगेटिव है तो हम 0 के लेफ्ट साइड में करेंगे। नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड का सारे नंबर निगेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, 1 2, ये 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 पार्ट्स हो गए। फिर से इसे भी कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 1 2। ठीक है, 4 तक हमें चाहिए, 4 तक हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम 4 काउंट कर लेंगे, चूँकि निगेटिव है तो इस साइड हम काउंट करेंगे 0 के लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, बस ये आपका हो जाएगा -4/3। क्लियर है? निगेटिव नंबर आप 0 के लेफ्ट साइड में शो करेंगे, पॉजिटिव 0 के राइट साइड में शो करेंगे। जो भी नंबर नीचे दिया गया है, जो भी इंटीजर नीचे दिया गया है, बस उतने पार्ट्स में आपको सारे कंजुगेटिव नंबर्स के डिस्टेंस को डिवाइड कर लेना है, और फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर को काउंट करके बस वहीं पे शो कर देना है। क्लियर है? नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर भी शो किए और नेगेटिव रैशनल नंबर भी शो किए। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, इसे भी चेक कर सकते हो, 4 को 3 से डिवाइड कर लो, 1 point something आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर होगा, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो आप इससे कन्फर्म हो सकते हो कि आपका जो कैलकुलेशन है नंबर लाइन पर वो सही है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।